नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सोकिल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक मिनी इन्वर्टर बनाना। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये और अच्छा हमारे एक काम में आने वाली चीज़ है ये मिनी इन्वर्टर। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे नए नए वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास है एक 1212 का ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक हमें इस प्रकार का ट्रांसफार्मर लेना है 1212 का। इसके अलावा हमें एक ट्रांजिस्टर लेना है। ये देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर है ये D718 है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, छोटी सी जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में। ये NPN ट्रांजिस्टर है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये बेस है और ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसके अलावा जो हम ले रहे हैं वो है एक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस दोस्तों 2.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और ये हाफ वाट की है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं आगे। तो दोस्तों, अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर यहाँ पे जो ये वायर निकले हुए हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये 220 वोल्ट AC के हैं इस तरफ, और ये जो 1212 ये आउटपुट के होते हैं वैसे। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, और आप लोगों को मैं पहले ये बता देता हूँ कि हमारे जो जब मैं वीडियो बनाता हूँ, ट्रांसफार्मर लेता हूँ किसी वीडियो में, तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो पूछते रहते हैं कि सर, ये जो आपने ट्रांसफार्मर लिया है ये कौन सा लिया है। तो अभी मैं ये जो ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही ले रहा हूँ। तो अब आप लोगों को बता देता हूँ आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हमें जो ये D718 जो ट्रांजिस्टर लिया है, इसको यहाँ पे इस प्रकार से लगा देना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ और आप भी अपने हिसाब से लगा लीजिएगा जैसा कि आपको उचित समझे। मैं इसको इसलिए यहाँ लगा रहा हूँ कि ताकि ये हीट नहीं हो, है ना, ये इससे ठंडा रहे। तो आप हीट सिंक भी लगा सकते हैं। तो इसको यहाँ लगाने से पहले मैं इसको यहाँ से थोड़ा छील लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने यहाँ से इसको छील लिया है। अब इसके बाद में अब हम यहाँ पे पेस्ट लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने इसको चिपका लिया है ट्रांजिस्टर को यहाँ पे इस प्रकार से। अब भी हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो ये वायर है 1212 12 0 और 12, ठीक है, तो इनको हम इस ट्रांजिस्टर पे इस प्रकार से लगाएंगे। हमें ये वायर है इसको यहाँ लगाना है इस प्रकार से, इसमें रेजिस्टेंस बीच में लगेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने इस प्रकार से लगा लिया है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो वायर है हमने ये बेस पे लगाया है रेजिस्टेंस के साथ, और ये वाला जो वायर है हम कलेक्टर पे लगाएंगे। तो ये हमने इस प्रकार से कनेक्शन कर दिया है। अब हम जो ये वाला वायर बचा हुआ है, तो अब हम यहाँ पे जो ये बीच वाला वायर रह गया है इसका, इस पर ये बैटरी के पॉजिटिव के लिए वायर लगाएंगे। और जो बैटरी का नेगेटिव है, ठीक है, इसको हम यहाँ लगा देंगे। जो ट्रांजिस्टर का एमिटर है उसके पॉइंट पे, इस लेग पे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो सर्किट है लगभग कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, अब इसके आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये हमने एक होल्डर लिया है, बल्ब होल्डर, इसको यहाँ पे लगा देंगे ट्रांसफार्मर के आउटपुट में। वैसे ये इनपुट है लेकिन अभी ये आउटपुट बन गया है AC वोल्टेज देने के लिए। तो अब हम यहाँ पे एक ये जोड़ देंगे आउटपुट के लिए। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया है।
यहाँ पर हम 12 वोल्ट और ये 7.2 एम्पियर की बैटरी ले रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो कोई भी इन्वर्टर होता है, हम सिर्फ इन्वर्टर की यहाँ पे प्राइस जोड़ते हैं, बैटरी क्योंकि चेंज होती रहती है। तो मैंने कई वीडियो में लिखा है कि फलाना फलाना इन्वर्टर इतने रुपये का है, सिर्फ इतने रुपये का है, तो वास्तव में वो उतना ही रुपये का होता है। आप उसमें बैटरी इंक्लूड क्यों करते हो यार? क्योंकि बैटरी इंक्लूड, बैटरी तो हम चेंज करते रहते हैं, बैटरी समेत नहीं होता, क्योंकि इन्वर्टर अलग होता है और बैटरी अलग होती है। तो अब यहाँ पे जो ये इन्वर्टर है, आप जैसा कि ये देख रहे हैं, अब यहाँ ये जो ट्रांसफार्मर है ये लगभग 130 रुपये का है, और जो ये ट्रांजिस्टर है ये 20 रुपये का है, यानी ये पूरा मिला के आपको, और ये 1 रुपये की रेजिस्टेंस मान लो, तो ये पूरा आप 150 रुपये का इन्वर्टर मान लो, तो ये 150 रुपये में बना हुआ है पूरा। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ये किस प्रकार से वर्किंग करेगा। मैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि हमने सेटअप लगा लिया है, आप देख सकते हैं ये आउटपुट के लिए है एसी वोल्टेज, और ये देख सकते हैं आप जो बल्ब है वो यहाँ पे 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट एसी होते हैं इनमें, ठीक है। और ये जो बैटरी है ये यूपीएस की बैटरी है दोस्तों, आसानी से मिल जाती है, सेकेंड हैंड भी ले सकते हो आप मार्केट से, आपको 300 से 350 रुपये तक सेकेंड हैंड बैटरी मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये पॉजिटिव वाला वायर यहाँ लगाएंगे और ये नेगेटिव वाला वायर मैं यहाँ लगाऊंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो बल्ब है ये जल चुका है और ये बैकअप दे रहा है अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक मिनी इन्वर्टर है और ये 10 से 15 वाट तक के LED बल्ब जलाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। हमारे कई फ्रेंड पूछते रहते हैं कि सर इसमें मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं क्या, तो दोस्तों इसमें मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो तो बड़े बड़े इन्वर्टर थे, ये मैंने एक मिनी इन्वर्टर बनाया है, इसमें मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, तो उनमें तो आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें मोबाइल चार्ज करके बताता हूँ दोस्तों। मैं एक बार ये बल्ब हटा लेता हूँ क्योंकि मेरे को ये मोबाइल आपको चार्ज करके बताना है। ये देखिए ये मोबाइल है और ये मैं आपको चार्ज करके बताऊँगा दोस्तों। ये जो है हमने लगा दी इसके अंदर कनेक्टर, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो केबल है, ये जो केबल हमने लिया है मोबाइल की, काफ़ी लंबी है ना, यहाँ तक है। और ये मैं इस पॉइंट में ये इसीलिए लगाया हूँ ताकि आपको मोबाइल भी चार्ज करके बता दूँ, है ना। अभी ये एक गुच्छा सा हो गया यहाँ, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और अब यहाँ देखिए मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ लाइट आ चुकी है दोस्तों। अब आप मोबाइल की तरफ देखना, कनेक्टर हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों जो मोबाइल है वो चार्ज हो रहा है हमारा, क्योंकि ये मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज था, तो ये इसको उठने में थोड़ा टाइम लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, ये लाइट आ रही है चार्जर में, ठीक है। ये हिल गया है थोड़ा, ये हिल गया था थोड़ा कनेक्टर यहाँ से, आप देख सकते हैं दोस्तों ये लाइट आ रही है इसमें और ये मोबाइल चार्ज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको वापस से ये जो बल्ब है ये जला के बताता हूँ। हाँ, ये इसमें एक थोड़ी आवाज़ ज़रूर आती है, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों चाहे बड़ा इन्वर्टर हो या छोटा इन्वर्टर हो, थोड़ी बहुत आवाज़ ज़रूर करेगा। और जैसे अब ये लोड ले लिया तो आवाज़ करना बंद हो गया है, ये सिंगल जैसे चलता है बिना लोड के, तो ये थोड़ा आवाज़ करता है। तो यहाँ हम 10 से 15 वाट तक के बल्ब आसानी से जला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और ये जो बल्ब है, जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा लोड इसके अंदर दोगे, तो ये जैसे हम इसके अंदर 10 वाट तक के जो बल्ब जलाएंगे तो इसमें 4 घंटे का ये बैकअप देगा, और 3 से 5 वाट तक के बल्ब के लिए ये 8 घंटे का बैकअप देगा, इसके अलावा ये मोबाइल चार्ज करेगा। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार इसको यहाँ अंधेरा करके बता देता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा उजाला है और अच्छे से बैकअप दे रहा है ये, है ना। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों आप, ठीक है। मैं लाइट वापस जला देता हूँ,
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।